बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज फ्री कोर्स सीरीज़ के आज लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हाजिर हूँ और आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। इन आवर प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट सेंटेंस। हमारे जो जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हमने बात की टेंसेस के सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंस के बारे में हमने बात की, उसके टाइप्स के बारे में हमने बात की। सेंटेंस कहते किसे है, क्लास क्या होती है और ये प्रेस क्या होती है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसी सेंटेंस को लेके हम बात करेंगे टेंसेस की, कि व्हाट इज़ अ टेंस, टेंस क्या होता है और कौन कौन से टेंस है और उसके प्रॉपर यूजेज क्या है और हम कैसे इसको अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं और ये किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। इफ़ यू नो अबाउट टेंसेस, समटाइम्स बहुत औकात ऐसे होता है कि हमें मौजूदा वक्त की बात करनी होती है, तो उसके लिए हमें एक अलग स्ट्रक्चर चाहिए होता है सेंटेंस का, एक अलग तरीक़ाकार चाहिए होता है बताने का। और समटाइम्स हमें माजी से कोई बात करनी होती है प्रेजेंट में, और समटाइम्स हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं, कोई प्रोफेसी करते हैं फ्यूचर के बारे में, या कोई बात होती है जो हमें पता होता है कि हम ये करेंगे, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो फ्यूचर में हम बात कर रहे होते हैं फ्यूचर के बारे में। तो ये तीन तरह के टेंसेस होते हैं, एक होता है हाल यानी प्रेजेंट, दूसरा माजी यानी पास्ट, एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। अब हम देखेंगे कि इसको हम समझेंगे कैसे। लाइक अगर आप ये एग्जांपल ले ले, ये मैंने पहले ऑलरेडी लिखी हुई है, बाद में हम मजीद एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, ठीक है, यानी आई ड्रिंक वाटर। ये ड्रिंक जो है ये रेफर करता है प्रेजेंट टाइम को। टेंस को हम उसके वर्ब, जिसमें वर्ब जिस सेंटेंस में वर्ब यूज हुआ होगा ना, तो हम उस सेंटेंस के वर्ब की यूजेज को लेके अंडरस्टैंड करेंगे कि वेदर इट्स अ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो टेंस को हम उस किसी भी सेंटेंस में उस वर्ब के यूजेज से जो है इससे पहचानते हैं। तो यहाँ पे जो बेस फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप कह ले या बेस फॉर्म कह ले, लाइक एक और वर्ब है गो, वेंट, गॉन, ये इररेगुलर वर्ब है। इसीलिए जिस तरह इररेगुलर एडजेक्टिव होते हैं, इस तरह ये इररेगुलर वर्ब है और इररेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म, फास्ट फॉर्म और फास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और उसमें जो है वर्ड कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, ये बेस फॉर्म नहीं रहता। या फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म भी इसको कहते हैं। लाइक एक और वर्ब ले लेते हैं, फिर आसानी होगी हमारे लिए, कि प्ले, प्ले, प्लेड एंड प्लेड एंड देन प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। एक और वर्ब लेते हैं राइट, रोट, रिटन डबल टी ई एन एंड राइटिंग। अच्छा अब यहां पे आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर ये प्रेजेंट की बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है, किस ज़माने की बात हो रही है, यानी फिलहाल इस वक्त की बात हो रही है, ठीक है। अब आई ड्रिंक, ये जिस तरह मैंने कहा कि जो सेकंड फॉर्म होता है वर्ब का, सेकंड फॉर्म जो होता है इसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, वर्ब का पास्ट फॉर्म। अगर इसको आप सेकंड कहेंगे तो भी ठीक है, अगर इसको आप कहेंगे पास्ट फॉर्म तो जैसे ही ये वाली सूरत आपको नजर आएगी आप समझ जाएंगे कि ये जो टेंस है ये पास्ट टेंस है। एक और क्लेरिफिकेशन हो जाएगी इससे, अगर आप इसको पास्ट कहेंगे तो जैसे ही ये वाली फॉर्म वर्ब की आती है आप समझ जाएंगे कि ये जो है ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। लाइक आई ड्रिंक वाटर, मैंने पानी पिया, ठीक है, पी लिया। अब ये जो मैंने पानी पी लिया ये जो है ये पास्ट की बात है, अब कुछ नहीं हो रहा, जो काम था अब वो हो गया है। तो इसको, इसमें जिस
जमाने को ये रेफर करता है, जिस वक्त को ये रेफर करता है ये वर्ब, वो है पास्ट, वो है माजी। इसलिए इसी तरह को के सेंटेंसेस को जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, हम उसको कहते हैं पास्ट टेंस, और जिसमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, बेस फॉर्म, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट। अच्छा, कहाँ पे ये चीज़ें फिर चेंज होनी है? फिलहाल इतना याद रखें कि सिंपल सेंटेंसेस में, ये हम सिंपल की बात कर रहे हैं, सिंपल टेंस की, या इसको आप इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल, इसमें जो है इसमें ये होता है कि आप वर्ब से ही पहचान लेते हैं कि ये पास्ट है या प्रेजेंट टेंस है। अच्छा, जब यहाँ वेल या शल लग जाए, वेल या शल लग जाए वर्ब के साथ और बेस फॉर्म हो, तो आप समझ लें कि ये बात जो है ये फ्यूचर की हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है, अब की बात नहीं, कोई काम होने वाला है जो अभी से उसका जिक्र हो रहा है, तो इट रेफर्स टू दैट थिंग। अच्छा, ये देखिए आप, वर्ब इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है, क्या वर्ब, लाइक वेल ड्रिंक, ड्रिंक ड्रैंक एंड ड्रिंक, ये तीनों चीज़ें, दीज आर वर्ब्स एंड डिफरेंट सेंटेंसेस, या ये गो वेंट गॉन, अगर इसको हम करेंगे आई गो टू स्कूल, आई वेंट होम, आई विल गो टू स्कूल, इसी तरह आप इनसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, आई एम गोइंग या आई विल बी गोइंग एक्सेट्रा, बाद में उसकी तरफ आते हैं। आई एन जी फॉर्म को फिलहाल जो है वो आप निकाल लें, पहले इसको समझ लें आपको। तो वर्ब जो होता है किसी भी सेंटेंस में, जो मेन वर्ब होता है, और वर्ब कहते हैं फेल को उर्दू में, किसी काम करने को या हालत जाहिर करने को, हमने कहा था इस पर, हमने बात की थी कि ये बीइंग को, एक्सिस्टेंस को, कि किस हाल में है, क्या है और क्या कर रहा है, इन चीज़ों को वर्ब किसी भी सेंटेंस में रिप्रेजेंट करता है। लाइक हमने कहा था कि इज बी सम टाइम मेन वर्ब जो है वो यूज़ होता है, ठीक है, वो कब यूज़ होता है वो आप जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह वर्ब को सेपरेटली और उसके डेप्थ में जाएंगे तो आप समझ लेंगे कि वर्ब कहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है, इज। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं, ये तो हमारी थोड़ी सी जो ओवरऑल नॉलेज थी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में, यानी प्रेजेंट और पास्ट जो है या फ्यूचर जो है, इसको हम सिंपल फॉर्म में इसके सेंटेंस में वर्ब की यूजेज से पहचानेंगे। अब हम आते हैं सिंपल या जो प्रेजेंट टेंस है उसकी तरफ आते हैं और उसकी कंप्लीट फर्दर इलाबोरेशन करते हैं कि उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। टेंसेस आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह के टेंसेस है, एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर, बाकी जो है ये इन्हीं टेंसेस के एस्पेक्ट्स है। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट, हम प्रेजेंट की बात करते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ये सब में होती है, लाइक फॉर एग्जांपल सिंपल, फर्स्ट एस्पेक्ट सिंपल, या सिंपल के, सिंपल को इंडेफिनिट भी कहते हैं, इंडेफिनिट, इट हैज़ अ मल्टीपर्पज यूजेज, इसकी जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा है, इट्स अ वाइड स्कोप, इसीलिए इसको इंडेफिनिट भी कह सकते हैं और कहते भी है इंडेफिनिट। सेकेंड वन इज प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव को हम कंटिन्यूस भी कहते हैं, कंटिन्यूस। एंड थर्ड वन इज परफेक्ट, परफेक्ट। एंड फोर्थ वन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दीज टू टेंसेस, या इन दो टेंसेस को मिला के जो टेंस बनती है हम उसको कहते हैं परफेक्ट, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस। आई थिंक इनके नाम पे अगर हम गौर करें तो हमें जो इसके पीछे जो मकसद है या जो चीजें हैं या इसकी जो इलाबोरेशन है वो हमें समझ में आ जाती है। लाइक सिंपल, तो बस ये सिंपल सी बात को जाहिर करता है, लाइक आई गो होम, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं घर जाता हूँ, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, इसकी यूजेज क्या है ये याद रखे, इसकी यूजेज जो है वो है हैबिट्स, आदात को बयान करती है, ठीक है,
यूनिवर्सल फैक्ट्स को बयान करती है। जिस तरह कल हमने बात की यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स, इनको बयान करती है। जैसे कल हमने बात की कि द सन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, राइजेस इन द ईस्ट, इसी तरह की बात। या एक रूटीन को जाहिर करती है, रूटीन को, इट एक्सप्लेन्स रूटीन, या रूटीन को, इन चीजों को। हाँ, ये समटाइम्स पास्ट में भी किसी वाक्य को जाहिर करती है, लाइक किसी स्टोरी को बयान कर रहे हम और हम कहते हैं कि देन द किंग रशेस टुवर्ड्स द पैलेस, रशेस। अब रशेस जो है, अगर हम रश्ट लिख दे तो वो पास्ट बन जाता। अब बात जो है ये पास्ट की है, लेकिन हमने प्रेजेंट टेंस यूज किया है, प्रेजेंट सिंपल यूज किया है, तो इसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक हम इसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज नाउ इट्स 2 PM, अब ये 2 बज गए दिन के, और हम कहते हैं कि द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, गाड़ी जो है वो 5 बजे जो है वो यहाँ पहुँचेगी। तो इंग्लिश में जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM। वी से दैट द बस लीव द स्टेशन एट 8 PM, इसी तरह की। तो ये समटाइम्स प्रेजेंट को, फ्यूचर को, इनको रिप्रेजेंट करती है, लेकिन मोस्टली जो इसका यूजेज है वो ये है कि ये आपके किसी परमानेंट हॉबी को, आदत को, मशगले को, या एक ऐसे काम को, या आपके प्रोफेशन को मोस्टली। लाइक इफ समवन आस्क यू व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अभी क्या करने में लगे हैं। ही आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, वो आपसे सिंपल क्वेश्चन कहते हैं, तो आप कहते हैं आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई डिज़ाइन, मैं डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है, आई लर्न, मैं सीखता हूँ, आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। अच्छा, अब ये टीच स्टडी जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें ब्रेक्स आती जाती है साथ साथ में, लेकिन परमानेंट जो है वो जो चीज़ है वो परमानेंट है। ज़रूरी नहीं कि आप उसी वक्त भी लगे हैं काम कर रहे हैं, उससे पहले भी कर रहे थे और कंटिन्यूसली आगे भी कर रहे हैं। नो, बट दैट्स अ हैबिट ऑफ yours और अ रूटीन ऑफ yours, ये एक आपकी रूटीन और अ प्रोफेशन ऑफ yours, ये आपकी एक प्रोफेशन है, एक रूटीन है, एक हैबिट है, और समथिंग, जिस तरह मैंने कहा कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सिंपल प्रेजेंट उसको करती है। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट की कंस्ट्रक्शन किस तरह होगी? इसकी कंस्ट्रक्शन होगी वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जिस तरह नाउन और प्रोनाउन। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट के 2 अकसाम है, वो कैसे? लाइक आई, वी, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, प्लूरल फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन से खुद को कंफ्यूज ना करें, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है, चाहे वो बहुत सारे लोग हो या एक बंदा हो। इंग्लिश में इसको हम कैटेगराइज करते हैं प्रोनाउंस को, तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है। यू, इसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन, जिससे बात होती है, ये मुतकल्लिम होता है बात करने वाला, ये मुखातिब होता है, और ये ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं, ये थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में बात हो रही होती है, ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। लाइक मैं या हम, यू, आपको, ही, शी, इट, उस चीज़ के, उस लड़के के बारे में, उस लड़की के बारे में, उस चीज़ के बारे में, दे, या वो जो बहुत सारी लड़के हैं या लड़कियां हैं, या जो ग्रुप है, या जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इट, जो इट के ज़िम्मे में आती है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दीज आर थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा, लेकिन सेकंड पर्सन में और फर्स्ट पर्सन में, जिस तरह मैंने बात की कि ये आई सिंगुलर है और ये वी प्लूरल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसके साथ जो है, अगर प्रेजेंट सिंपल में कोई बात कर रहे हैं, तो आपने लगाना है वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है या जो बेस फॉर्म है। लाइक वी प्ले, वी प्ले, आई प्ले, आई टीच, आई प्ले, आई राइट, वी प्ले, आई लव, वी लव, वी ईट, आई ईट, आई स्विम, वी स्विम, एटसेट्रा। आई गो, वी गो, आई रन, वी रन, आई स्टडी, वी स्टडी। इसी तरह वर्ब का कोई भी वर्ब उठा ले, उसकी जो बेसिक फॉर्म है
या फर्स्ट फॉर्म है उसको आप लगा के कर सकते हैं इस चीज को। ये जिस तरह हमने बात की कि आई वी यू के साथ आप बहुत सारे बेसिक चीज़ें लगा सकते हैं और बेसिक फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगा सकते हैं, लाइक आई राइट, वी राइट, आई रीड, वी रीड एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। वो वाली बात जो है वो यू के, यू से भी आप लगा सकते हैं, यू के साथ ही वो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब लगा ले तो आपका जुमला जो है वो कंप्लीट हो सकता है। अनटिल यू वांट टू ऐड समथिंग, अगर आप कुछ और चीज़ें नहीं ऐड करना चाहते, लाइक कॉम्प्लीमेंट नहीं ऐड करना चाहते, लाइक आई राइट मैं लिखता हूँ अ लेटर, एक ख़त, तो उससे जो है एक कंप्लीट सेंस मिल जाती है। लेकिन जो बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ब है टेंस का, वो है आपका सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो एक्शन को रिसीव करता है, हमने बात की थी जो एक्शन को रिसीव करता है, जिस पे काम हो रहा होता है। लाइक यहाँ इसमें सॉरी वो मैंने रेस किया, लाइक आई ड्रिंक वाटर, आई सब्जेक्ट, ड्रिंक वर्ब, वाटर ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा। आई प्ले क्रिकेट, नाउ क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट, क्रिकेट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है जो रिसीव करता है। आई राइट अ लेटर, अ लेटर इज एन ऑब्जेक्ट, लेटर जो है दैट इज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब राइट यू। इसी तरह आई वी यू दे, प्रेजेंट सिंपल में इन सब के साथ जो है हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, लाइक आई प्ले, वी प्ले, दे प्ले, यू प्ले, जो भी आप लगाना चाहें। लेकिन जो कहानी डिफरेंट है वो ही शी इट की है। यहां हम वर्ब लगाते हैं तो हम प्ले नहीं, हम प्लेज, हम प्लेज के एस या ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब के बेस फॉर्म के साथ जो फर्स्ट फॉर्म होता है। लाइक हम बात करते हैं गोस की, अब ई एस की बात आती है तो उस पर बात करते हैं, लाइक प्लेज, राइट्स, ईट्स, गोस एट्सेट्रा, बहुत सारी वर्ब जिसके साथ हम एस लगाते हैं, एंड सम जिनके साथ हम ई एस लगाते हैं। और ये कब लगाते हैं, ये हम लगाते हैं जब हम थर्ड पर्सन यानी ही शी इट, ये जो प्लूरल्स है, थर्ड पर्सन को भी भूल जाइए, जो सिंगुलर प्रोनाउंस है ही शी इट, इनके साथ अगर हमने जुमला बनाना है और वो प्रेजेंट टेंस में बनाना है तो उनके साथ हम लगाएंगे वर्ब के साथ एस या ई एस। कीप इन माइंड दिस थिंग, ये चीज़ें जो है आप जहन में रखिए। अच्छा, अब इन्हीं टेंसेस को लेके हम इसमें से डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हैं। लेट्स टेक अ वर्ब ईट, मैंने बात की कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो हम कहते हैं ईट, हम कहते हैं ईट। I eat an apple, an apple. ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ वर्ब एंड दिस सब्जेक्ट। I eat, we eat an apple, we eat apples. अगर we की बात करें तो वो an कोई एक शेप तो नहीं होगा, तो फिर आप अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं apple और apples और जो भी आप लगाना चाहे etc. ये आप लगा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे ही शी एट की, ही शी एट, तो हम लगाएंगे इट ईट्स, ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स, व्हाट इट ईट्स, व्हाट एवर, आप जो भी लगाना चाहते हैं, ब्रेड एट्सेट्रा, कुछ भी, ब्रेड लगा ले, राइस लगा ले, फिश लगा ले, बिरयानी लगा ले, व्हाट एवर यू वांट टू ऐड आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब जो है हमने उसके साथ एस का इजाफा किया, ये बना हमारा पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में किस चीज़ के साथ, प्रोनाउंस आई वी यू दे एट्सेट्रा। लाइक यहाँ पे आई वी यू दे, ही शी इट एट्सेट्रा, इनकी जगह आप नेम्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन या नाउन ही होगा, ठीक है। तो इनकी जगह अगर वी की जगह आई, और वी तो डेफिनेटली फर्स्ट पर्सन है तो उसके लिए आप नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने ही शी इट के लिए तो आप कह सकते हैं कि सबा
ईट्स, खान प्लेस। अब देखिए यहां पे ये ही शी, ये इट या फ्लाई, ये मच्छर, फ्लाइज, उड़ रहा है, एटसेट्रा, ईट्स, जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आपको एस लगाना होगा। तो ये बना, आप इसको माइंड में रखें, इनकी तरफ आते हैं बाद में, लेकिन ये सिंपल इंडेफिनेट में। फिर अब हम सेंटेंसेस बनाने की तरफ मूव करते हैं कि आगे हमने कौन कौन से सेंटेंसेस इसमें बनाने हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है पॉजिटिव और डिक्लेरेटिव, आप इसको कह ले, जो पॉजिटिव डिक्लेरेटिव है, जिस तरह हमने बात की कि ही, शी, इट, ईट्स या कुछ भी लगा ले। ईट्स एक ऐसा वर्ब है जो इट के साथ ही लगा सकते हैं, वरना मैं स्विम लगा लेता या मैं कोई और लगा लेता। इट, व्हेन इट रेफरिंग, व्हेन इट इज रेफरिंग टू किड्स, किड्स और एनिमल्स, ठीक है, नॉट थिंग्स, ठीक है। जब ये थिंग्स को नहीं रेफर करती तो हम ईट्स लगा सकते हैं, ठीक है। आप वर्ब कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन रिमेंबर के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने ईट्स लगाना है, ठीक है। और आई वी यू दे एटसेट्रा, आई वी यू दे, इनके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, इस जुमले को हमने नेगेटिव बनाना है, ये तो पॉजिटिव बन गया हमारा जुमला। अब इसमें इसी टेंस में हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। तो नेगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें किसी चीज़ की नफी होती है, जिसमें निगेशन होता है, किसी का काम के न करने का जिक्र होता है। पॉजिटिव तो वो होता है जिसमें हम कोई काम करते हैं, लेकिन नेगेटिव वो होता है जिसमें हम किसी काम के न होने का जिक्र करते हैं। लाइक ही शी इट के साथ हम लगाएंगे क्या, एटसेट्रा, जो एडिशनल चीज़ है, ही शी, ऑब्लिक मीन आर, यानी आप या तो ही लिखेंगे या शी लिखेंगे या इट लिखेंगे, या ही की जगह किसी बॉय का नाम होगा या मेन स्पीशी का नाम होगा, शी की जगह किसी फीमेल स्पीशी का नाम होगा या किसी गर्ल लेडी का नाम होगा, या इट की जगह किसी चीज़ का नाम होगा, किसी एनिमल का नाम होगा, या उसके साथ साथ किसी बच्चे को आप रेफर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ही शी एट, इसीलिए मैं लिख लेता हूँ, इनकी जगह आप नेम्स भी लिख सकते हैं प्रोनाउंस, बट टू अवॉइड ये नेम्स को अगेन एंड अगेन डिफरेंट नेम्स लिखना, इससे बेहतर है कि मैं ही शी एट ही यूज़ कर लूँ। बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह करते हैं, आप किस तरह याद कर सकते हैं, किस तरह समझ सकते हैं, आप उनमें अपनी जो चीज़ है वो फिट कर ले। तो ये बना पॉजिटिव, ये बना नेगेटिव। ही शी एट हम यहाँ पे लगाएंगे डज नॉट, डज नॉट, यहां पे आप देखे हमने डस लगाया डू के साथ, ई एस डी ओ ई एस, यहां से जो ईट है उसके साथ फिर एस नहीं लगी गई। देखिए यहां पे जो पॉजिटिव सेंटेंस में ईट के साथ एस था वो रिमूव हो गया। व्हाई क्यों? बिकॉज यहां पे जो सेंटेंस है वो जो मेन वर्ब है उससे पहले हमने डस नॉट लगा दिया। तो इसी तरह अगर हम पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, प्लूरल सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो उसके साथ हमें डस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वी सिंपली से, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एस नहीं है, तो इससे पहले हम डू नॉट ईट लगा लेते हैं, डू नॉट मेन वर्ब से पहले, और ये बन जाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब इस सेंटेंस को लेके अगर हमने इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, तो इस डस को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। इस सेंटेंसेस में चूंकि हमारे सब्जेक्ट्स ही शी इट है या आई वी यू दे है या कोई फर्जी नाम है, कोई भी आप उठा ले, लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट सारा, सारा प्लेस पॉजिटिव सेंटेंस, सारा डज नॉट प्ले, यहां पे मैं लगा दूंगा सारा डज नॉट प्ले। जिस तरह मैंने बात की कि मेन वर्ब से जो एस है वो फिर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हम डू के साथ ई एस लगा देते हैं, सारा डज नॉट प्ले। और इसका जो क्वेश्चन है वो बनेगा कुछ इस तरह कि जो डज है ये वाला, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और नॉट जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो हम इसको देखेंगे डज सारा प्ले,
क्या सारा कीमती है, 10 सार अपने। अब ये जो है एक और सेंटेंस भी लोग इसमें ऐड करते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर 10 सार नॉट प्ले, फिर भी आपने मेन वर्ब से पहले नॉट लगाना पड़ता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट, सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की तरफ हम मूव करेंगे और इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जो यूजेज है वो यू है कि यू आर इन द मिडल ऑफ समथिंग, आप कोई काम आपने शुरू किया हुआ है और उसको कर रहे हैं। लाइक यू आर बिल्डिंग अ हाउस, यू से नाउडेज आई एम बिल्डिंग अ हाउस, आई एम डूइंग कंस्ट्रक्शन वर्क, डूइंग कंस्ट्रक्शन वर्क। अगर कोई आपको पूछे कि व्हाट आर यू रीडिंग दीस डेज, इट मींस यू मे से दैट आई एम रीडिंग द वर्ड ऑफ द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन त्सु और बैटल ऑफ द वॉटरलू एटसेट्रा। यू मे से दैट आई एम रीडिंग nowadays the 40 rules of law, but it is does not mean, इसका मतलब कि हर किस नहीं है कि आप जो है उसी वक्त जो है आप बैठ के उस चीज को पढ़ रहे हैं। रिमेंबर, जब आप किसी काम के मिडिल में हो, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस जो है वो तब यूज होता है। आप कोई काम कर रहे हो भले आप उस वक्त ना कर रहे हो, लाइक आप यू आर चेंजिंग योर प्रोफेशन, someone asks you what are you doing these days, इन दिनों आप क्या कर रहे हो, so you say that I am teaching these days. So, वो पूछेगा कि what were you doing previously? आप क्या करते हो? Say I was learning previously. I was studying before teaching. तो in when you are in the middle of an action, जब आप किसी काम के दरमियान में हो, तो आप लगाते हैं progressive tense use करते हैं इसी चीज। उर्दू में हम कहते हैं कि इसमें जब हम जुमले में रहा था एक्सेट्रा रहा हूं एक्सेट्रा आ जाए रहा है तो इसको हम कहते हैं रही के वगैरह प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि मुझे उसको ज्यादा याद है नहीं इसलिए सिंपल इंग्लिश की तरफ आते हैं। यहां पे अगेन आई का स्ट्रक्चर जो है आई प्लस एम प्लस वर्ब, वर्ब आप कोई भी लगा सकते। लेट्स से आई टीच, आई एम टीचिंग, टीच लगा मेन वर्ब है, इसके साथ आपने आई एन जी लगानी है। जहां पे आई एन जी आई मीन्स फॉर एज अ मेन वर्ब यूज हो तो इसका मतलब है कि दैट इज कंटिन्यूस टेंस, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो सकता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, लेकिन आई एन जी हमेशा कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा। यू और दे इनके साथ लगेगा आर। लेट्स सपोज यू एंड दे आर स्टडी, एस यू डी वाई आई एन जी स्टडी, and he, she, it, again singular pronoun, he gets supposed I, she, कोई भी female species name, suppose we talking about an it, कोई भी animal, let's suppose is, and again verb, कोई भी jumping, jumping, walking, running, writing, drinking, eating, learning, designing, etc. बहुत सारे एग्जाम्पल से तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बन जाता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव कहां बनेगा? ये बना आपका पॉजिटिव, आप इसको लिख दे पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी मस्बत सेंटेंस। और नेगेटिव बनता है जब आप यहां हर एक वर्ब से पहले लगा ले नॉट, बन जाएगा आपका नेगेटिव। क्या बनेगा आपका नेगेटिव सेंटेंस? Like, पहले मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लाइक ही शी, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ शी या इट, मैं ले लेता हूँ केट, और इट को मैं केट या इट, इट केट, अब केट इज अ नाउन यूज करें या उसका प्रोनाउन इट यूज करें, कुछ भी यूज करें, इट इज नॉट जंपिंग। अब आप देखेंगे कि बाकी सेंटेंस वही है लेकिन जो मेन वर्ब है जो जंप है उससे पहले मैंने नॉट लगाया, means now the not word converts a positive sentence in a negative sentence. Not word to have a positive sentence को negative sentence में convert कर लेता है। तो ये बना आपका negative। और अगर आपने इसका बनाना है interrogative question sentence, तो इन्हीं example को उठा के इनमें से कोई भी example, like I am playing, I am playing, ये एम को सब्जेक्ट से पहले लगा ले, एम आई प्लेइंग,
और एट द एंड आप एम आई प्लेन और यहां पे साइन करना आपका स्मार्ट लगा के ये बन गया आपका जनरल सेंटेंस। इसी तरह ये आर को आपने इन चीजों दे और यू से पहले लगाना है और इसको ही शी इट से पहले लगाना है तो ये आपके बन जाता आपका बन जाएगा क्वेश्चन सेंटेंस विद इन प्रोग्रेसिव टेंस। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अच्छा जहां जहां समझ में आए जो है आप क्वेश्चंस नोट करते जाए अपने साथ। आई हैव बीन कंटिन्यूअसली सेइंग के आप जो है टेलिंग यू इज दैट कीप नोटिंग थिंग्स। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट वो टेंस है जब आप रिसेंटली आपने कोई काम किया हुआ हो और उसका असर अभी तक हो तो आप इसको यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कोई काम आपने पास्ट में शुरू किया था और रिसेंट पास्ट में यानी अभी माजी करीब आप इसको कह सकते हैं या माजी ना कहें लेकिन कहें कि बिल्कुल अभी इसी वक्त या इससे कुछ ही देर पहले आपने वो काम खत्म किया लेकिन उसका असर जो है वो अभी तक है। लाइक कोई आपको कहे कि भैया कहना कहें तो आपने कहें नहीं ये कर चुका आप का चुका मेरा मतलब ये नहीं कि आप का चुके और अभी भी आप जो है वो एपेटाइज जो है टाइट हो जा गया आप कह रहे कि नहीं लाइक आई हैव ईटन मैं खा चुका हूँ और मेरा खाने को दिल नहीं करता मजीद या मैं मजीद नहीं खा सकता या मुझे मजीद खाने की जरूरत नहीं है ठीक है तो उसमें हम लगा लेते हैं सब्जेक्ट इसके साथ हैव और परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल लाइक आई हैव वही एग्जाम्पल मैं देता हूँ ईटिंग। रिमेंबर वर्ग के जो फॉर्म्स होते हैं ये बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको टेंसेस के अंडरस्टैंड करने में कि आप टेंस को कैसे समझेंगे तो आपको उससे पहले जो ये वर्ब्स को पढ़ना चाहिए बहुत सारे वर्ब्स आप पढ़े तो जब आप पढ़ेंगे तो जैसे ही वर्ब आएगा आपके सामने तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है इसको रिप्रेजेंट करता है आई हैव ईटन ठीक है। और इसके साथ साथ जब हम सिंगुलर की बात करते हैं शी ही और इट की हम हैज लगाते हैं ईटन यहां पे वो इस वाली जो बात थी वो यहां हैज शक्ल में आ रही है और यू और दे के साथ भी हम हैव भी लगाते हैं हैव ईटन यानी वो कहा के निकल चुके थे दे हैव ईटन वो कहा चुके थे ठीक है दे हैव गॉन वो जा चुके थे दे हैव डन वो कर चुके थे दे हैव लर्नड वो सीख चुके थे दे हैव टॉट पढ़ा चुके हैं। She has eaten वो खा चुकी है। He has eaten वो खा चुका है। I mean you can say that she has drunk वो पी चुकी है। ठीक है। She has written वो लिख चुकी है। She has taught वो पढ़ा चुकी है। It has flown ये उड़ चुका है। It has worked ये काम कर चुका है। It's etc. It has gone ये जा चुका है। It has come ये आ चुका है। etc. आप कुछ भी जो है लगा सकते हैं और इसका नेगेटिव अगेन यहां पे आपने नॉट लगाना है एंड इट विल बिकम नेगेटिव सेंटेंस ये बन जाएगा नेगेटिव। और अगर आपने इसका क्वेश्चन बनाना है क्वेश्चन के लिए तो इसी आई हैव क्वेश्चन को लेके आप हैव यहां लगा ले हैव आई ईटन हैव आई ईटन क्या मैं खा चुका हूं यानी इसको इतना भी पता नहीं और अगेन जो है जरूरी नहीं कि आप खुद से ही पूछते रहे आप दूसरे से भी पूछ सकते कि have you eaten? मैंने कुछ कहा है have you eaten something? Have you done your lunch? Have you finished your homework? Have you played cricket? Have you gone to school? Have you studied today? etc. Have you taught? Have you learned? Have you designed? आप कुछ भी जो है लगा सकते हैं वर्ब्स उठाते जाए उन सेंटेंसेस में has she he it let's suppose has Sara played has Sara played cricket badminton etc. but it's a question sentence you have also done etc. अच्छा perfect continuous इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके परफेक्ट कंटिन्यूस आपका बन जाता है यानी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस वो होता है वो सेंटेंस कि जब आप कोई काम किसी कोई काम आपने शुरू किया है पास्ट में और अभी तक चल रहा है ठीक है आपने पास्ट में शुरू किया
पूरा अभी तक चल रहा है, ये मेरा काम जो था या मैं पास्ट में शुरू किया था और रिसेंट पास्ट में खत्म हो गया था। यहाँ पे आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पीआरओजी मीन प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूस, सीओएनटी मीन कंटिन्यूस, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012, सिंस फॉर 10 years. रिमेंबर, जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता हो कि आपने कब शुरू किया है कोई काम या कोई काम किसी ने कब शुरू किया है, तो आप उसका इस बीन तो आप इसमें लगा सकते हैं सिंस, यानी आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012, मैं 2012 से पढ़ाता आ रहा हूं। आई हैव बीन डिजाइनिंग फॉर 5 years. फॉर 5 years मीन आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट डेट कौन सी थी, एग्जैक्ट ईयर कौन सा था, एग्जैक्ट टाइम कौन सा था। आप कह सकते हैं इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही बारिश हो रही है, बट इट हैज बीन, अगर आपको नहीं पता कि सुबह से हो रही है या सुबह से पहले बारिश शुरू हो चुकी है और आप टाइम देखते हैं और 10 बज रहे, सो यू मे से इट हैज बीन रेनिंग फॉर 4 hours, 5 hours, 6 hours. चूंकि आपको पीरियड ऑफ टाइम तो पता है लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं पता, आप कह सकते हैं कि ही हैज बीन वर्किंग फॉर 5 days और शी हैज बीन टीचिंग दिस फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा एक्सेट्रा, आपने इसका नेगेटिव, रिमेंबर नेगेटिव क्वेश्चन और पॉजिटिव, ये आपने बनाने हैं किन किन टेंसेस के, सिंपल के, कंटिन्यूस के और परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के, ये आपका असाइनमेंट है। इंशाल्लाह हर एक में 2 सेंटेंस बनाने हैं और 2 सेंटेंस के नेगेटिव क्वेश्चन और पॉजिटिव बनाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ भी याद रखिएगा। अल्लाह।